बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कल रात हुए आतंकी हमले में एक भारतीय लड़की की मौत हो गई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। सुषमा स्वराज ने कहा कि उन्होंने हमले में मारी गई तारुषी जैन के पिता से भी बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई से अपने पहले अफ्रीकी देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। 4 दिवसीय इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और केन्या का 7 जुलाई से 11 जुलाई तक के बीच दौरा करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी उन युवकों को कानूनी मदद मुहैया कराएगी जिन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कुख्यात आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के कथित मॉड्यूल में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मॉनसून पूर्व की बारिश उत्तराखंड पर कहर बनकर टूटी और पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में बादल फटने की श्रृंखला में कई घर चपेट में आ गए। इसमें 12 लोग मारे गए। मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 14 पहुंच गई, जबकि राज्यभर की करीब 10 नदियां और छोटी नदियां उफान पर हैं। दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन बनाने का दावा करने वाली रिंगिंग बेल्स पहला फोन मार्केट में पेश करने से पहले ही मुसीबतों में घिर गई है। सूत्रों की माने तो रिंगिंग बेल्स के प्रेसिडेंट अशोक चड्डा अपनी पोस्ट से हट गए हैं। अब वे कंपनी में केवल एक कंसल्टेंट के तौर पर काम करेंगे। इस बीच कंपनी के 30 से 35 एम्प्लॉइज भी नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। जयपुर में शनिवार को दोपहर विधायक के बेटे की बीएमडब्ल्यू ने एक ऑटो और पुलिस वैन को टक्कर मार दी। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बीएमडब्ल्यू कार निर्दलीय विधायक नंदकिशोर महरिया का बेटा सिद्धार्थ चला रहा था। तेज स्पीड से चल रही कार ने पहले ऑटो को लपेटे में लिया, फिर उसे 150 मीटर तक घसीटता ले गया और पुलिस की पीसीआर से जा टकराया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शनिवार को जन स्वाभिमान रैली को संबोधित करने वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जहां एक तरफ सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में जमकर हमला बोला, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर भी सीधा प्रहार किया। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज में शिक्षकों के विरोध का सामना करना पड़ा। यह घटना उस समय घटी जब वह कॉलेज में शिक्षण केंद्र का उद्घाटन करने गई थी। इसके बाद इनमें से 45 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बंगलुरु में चल रहे भारतीय क्रिकेट के कैंप के दौरान हर कोई वेस्ट इंडीज की चुनौती को पार पाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बीच कप्तान विराट कोहली मैदान पर एक अलग ही रंग में दिखे। 2 घंटे तक बल्लेबाजी करने के बाद जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आए तो विराट ने विकेट कीपिंग ग्लव्स पहन लिए और विकेट के पीछे खड़े हो गए। बॉलीवुड की स्टार जोड़ी सैफ अली खान और करीना कपूर खान इस साल के अंत तक अपने पहले बच्चे के माता पिता बन सकते हैं। सैफ ने मुंबई में एक बयान में कहा कि मेरी पत्नी और मैं ये घोषणा करना चाहते हैं कि दिसंबर तक हमारे घर नन्ना मेहमान आ सकता है।